दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब ये कि जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हो तो वो पहली मुलाकात ही ये डिसाइड करेगी कि आप उस इंसान से दोबारा मिलने वाले हो या नहीं। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन सामने वाले पर काफी अच्छा या अट्रैक्टिव होता है तो यह 100% गारंटी है कि आपके और उसके संबंध आगे चलकर काफी अच्छे होंगे या आप लोग एक दूसरे के काफी करीब भी आ सकते हो। मेरा यहाँ पर किसी इंसान को टारगेट करने से मतलब है कि सभी इंसान से। सभी इंसान मतलब सभी इंसान। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आप जब भी किसी से मिलो तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को उसके सामने अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा। आपको उस इंसान को समझना होगा जो आपके सामने है। आपको ये जानना होगा कि उसका मोटिव क्या है, वो आपसे क्यों मिलना चाहता है या आप उनसे क्यों मिलना चाहते हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आपको उस कारण को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा। उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना होगा, इतना अट्रैक्टिव कि वो उस पल को भूलना भी चाहे तो ना भूल पाए। दोस्तों, अगर आप किसी से कैजुअली मिल रहे हैं, मतलब कि विदाउट एनी इंपॉर्टेंट रीजन मिल रहे हैं, तो शायद ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही टफ हो सकता है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि सामने वाला क्या चाहता है। इस समय आपको ये समझना होगा कि मैं अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करूं कि सामने वाले के मन को छू जाऊं। आपको ये भी अच्छी तरह से समझना होगा कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि उस मोमेंट पर मैं ऐसी क्या क्या बातें करूं कि ये मोमेंट एकदम यादगार हो जाए। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाला कैसा है या वो चाहता क्या है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी भी उसके मन को नहीं छू पाओगे। दोस्तों, आपको कभी भी पहली मुलाकात में सामने वाले के साथ आर्गुमेंट नहीं करनी है। अगर आर्गुमेंट जैसी सिचुएशन आ रही है तो आपको उन टॉपिक को ही चेंज कर देना है या उस आर्गुमेंट से ही एग्री कर जाना है, क्योंकि जब आप एग्री कर जाओगे तो आर्गुमेंट वहीं खत्म हो जाएगा। उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि सामने वाला ये सोचेगा कि आपकी और उसकी सोच काफी मिलती जुलती है, जो कि आपके और उसके रिलेशन को काफी आगे तक ले जाएगी। दोस्तों, आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि आपके और उसके ख्याल कैसे हैं, एक जैसे हैं या बिल्कुल ही अलग। अगर आपके और उसके ख्याल नहीं मिलते हैं तो सामने वाले के विचार को सुनने की आदत डालनी होगी। अगर आपको उसकी कुछ बात गलत लगती है तो डायरेक्टली उसे गलत साबित कभी भी ना करें, इनडायरेक्टली बातों को घुमाकर उसे उस बारे में समझाएं। अगर आप डायरेक्टली उसे टोकोगे तो उसके मन में आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स आएगी। आप उनके बातों को दिल से सुनिए और उनका बहुत ही अच्छे वे में रिप्लाई दीजिए। आप कभी भी सामने वाले से दुख भरी बातें मत करो। एक दो बार तो सुनने में अच्छा लगेगा और आपको उसकी सहमति भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ वो बातें करो जिससे हंसी हो, फन हो, उसे ऐसा फील होने दो जिससे उसे लगे कि वो आपके साथ बहुत खुश है। इससे वो आपके और भी क्लोज आते रहेंगे। दोस्तों, आप भी किसी चीज के लिए सामने वाले को फोर्स मत करो। अगर आप बार बार फोर्स करोगे तो वो आपसे इरिटेट हो जाएगा और आपके लिए उसके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आएगी। आप उसको जितना फ्रीडम दोगे वो आपके उतने ही करीब आते जाएंगे। दोस्तों, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा ऐसी ऐसी बातें करो जिससे आपकी बातें सीधी सामने वाले की दिल पर लगे और वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में बताया कि फर्स्ट मीटिंग में ही आप किसी को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग ही डिसाइड करती है कि आपका और उसका रिश्ता कितना आगे तक जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। धन्यवाद।